ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सबके कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्य प्रसे भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करे। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणिक्यों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों
और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाला है, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास की चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगी महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है,
किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणिक्यों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझ प्रीति दे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़न में हर्ष और बसने में विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शीश जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सूरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर चलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनंती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कहुओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना।
दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगद रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन, सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका भी कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी, रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जांबवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है।
ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उद्दिज, जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनंती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती चाह भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराए दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ।
नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है। वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अम्लों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है
तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस कासा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवास, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं।
इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई ताट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनंती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले है, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंडल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके
और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्या पुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौसल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौसल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दृष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गुढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दृष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घनमूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जांबवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। शुक्र देव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए।
राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सुख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया, राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक, भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंडल वेश वाले होने पर भी मंडल की राशि है। शुक्र देव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रह्लाद भक्ति शिरोमणि हो गए। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सुख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया, राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक, भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंडल वेश वाले होने पर भी मंडल की राशि है। शुक्र देव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रह्लाद भक्ति शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है।
जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रह्लाद के समान है। यह राम नाम देवताओं की शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वह श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सभी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यशायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कोसलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकुड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए
अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को सौ सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहां मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन घन परमात्मा श्री राम जी और कहां पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों की भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शीला निधान, स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला हो, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावनी चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काक भूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने बारह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गुढ़ कथों के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली
और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह की वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारा गण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं, जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं। परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है।
हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करने और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रख कर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सूर्य जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सूर्य जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावनी और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देख कर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्वी की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी में श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है।
वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला जाता और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भर कर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुशंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एकरस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरईन कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छन सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों पुण्यों के पुण्य भवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति हैं। गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है और नाना प्रकार के कुर्तक ही भयानक नदियां हैं।
जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसके नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदिदैव आदिभौतिक तपो से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंडलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंडलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तीन मुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुम्बियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावे और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। इस कथा को सुनकर पीछे जो आसपास में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रही है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंडल साज सजाया गया,
वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातकों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों की जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगम दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्गृहित चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं।
ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वो भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वो राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि
तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार येत्रा युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि जी ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वो अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंड कवन में विचर रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इन बातों को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेदों को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वो मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वो तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वो मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित
और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वो भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वो ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिवजी के वचन भी छूटे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वो बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि जी ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे? मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वो बहुत गंभीर हो गए, कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं?
श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वो डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सती जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए तथा वो प्रकृतिस्थ हों। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वो जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणु और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वो भी उनके प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करते देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वो आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वो बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली? सारी बात सच सच कहो। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभावों को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसके लिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमलों में सिर नवाया
और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपटी रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वो हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवेग ने समान अत्यंत जलने लगा।